नमस्कार, मैं दक्षिता तिवारी, आपका स्वागत है KIA में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई जिलों के नाम बदल कर रख दिए गए हैं और यह सिलसिला आज भी बरकरार है। अब फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव जिला पंचायत बैठक में पास हुआ है और प्रस्ताव पास होते ही फिरोजाबाद जिले में यह चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि नाम में बदलाव होना चाहिए और कुछ का कहना है कि बदलाव नहीं होना चाहिए। दरअसल फिरोजाबाद में एक ऐसी जगह है जहां राजा चंद्रसेन की रियासत थी और उस जगह को चंद्रनगर कहा जाता है। यह बात 1566 की है जब मुगल शासन के पहले फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन की रियासत थी, जहां राजा चंद्रसेन अपने महल में बैठकर प्रजा की समस्या सुनते थे और उनका समाधान करते थे। राजा चंद्रसेन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह बहुत ही तेज तर्रार योद्धा थे। राजा चंद्रसेन अपना दरबार चलाते थे और वहां चंद्रनगर बसा हुआ था, लेकिन आज की हकीकत तो यह है कि राजा चंद्रसेन का दरबार था आज एक खंडहर में तब्दील है और चारों तरफ जंगल जैसा है। अगर इतिहास की बात की जाए तो उस समय अकबर बड़ा सम्राट था और उसके 9 नवरत्न थे, जिसमें एक राजा टोडरमल थे। अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए जा रहे थे, तभी आसफावाद पर उनके साथ लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उनके काफ़ी ऊँट लूट लिए गए। जब वह लुटकर सम्राट अकबर के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी पीड़ा राजा अकबर को बताई कि आप इतने बड़े सम्राट हैं और आपके यहाँ इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तब अकबर की सेना के सेनापति फिरोज शाह को यहाँ भेजा गया और उन्होंने यहाँ लुटेरों का खात्मा किया और यह नगर फिरोज शाह के नाम से पड़ गया। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और उनका मकबरा फिरोज शाह के नाम से बना दिया गया, जो आज भी मौजूद है, जहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं और उनकी मज़ार के पास इबादत भी करते हैं। उसके बाद 5 फरवरी 1989 को यह जिला बनाया गया। इसका नाम फिरोजाबाद जिले के नाम से ही रखा गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की है तो फिरोजाबाद से भी कई आवाज़ें उठी हैं कि फिरोजाबाद का नाम भी चंद्रनगर होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत में फिरोजाबाद के ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने सदन में रखा था और उसे पास कर दिया गया। अब उस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जब हमने इसमें लोगों की प्रतिक्रिया ली, कुछ लोगों का कहना था कि यह सिर्फ 2022 के चुनाव से पहले वोट की राजनीति है, इसका नाम नहीं बदलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, यह चंद्रनगर ही था, इसका नाम चंद्रनगर ही होना चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए, युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। फिरोजाबाद कांच की नगरी से जाना जाता है, अगर फिरोजाबाद का नाम बदल के कुछ रख देंगे तो ये पत्थर नगरी नहीं हो जाएगी, ये कांच नगरी रहेगी। इसीलिए इसकी हम निंदा करते हैं। देखा जाए तो सरकार को सबसे ज़्यादा विकास पर ध्यान देते हुए युवाओं को रोज़गार दे। इन्होंने अपने शासन जो बना लिया था फिरोजाबाद पे, इसलिए उन्होंने अपना फिरोजाबाद पूरा नाम रख दिया। इससे पहले हमारा चंद्रनगरी नाम था, तो अब ये पुराना जो आ रहा है परिवर्तन हो गए, तो हमें अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि नाम चेंज करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे फिरोजाबाद? ये अभी तो कह नहीं सकते, जो नाम चेंज हुआ है आगे आगे देखते हैं क्या परिवर्तन करते हैं। आदित्यनाथ योगी जी, नाम है आपका? मेरा रूमाल सिंह है साहब। कौन से गाँव के? मैं कटी नर ठार पे रहता हूँ, मौजा चनवार में। अच्छा, हाँ। यहाँ एक किला है, टूटा जर्जर खंडर पड़ा हुआ है, क्या इस किले के बारे में आपको पता है? किले के बारे में हमें मालूम है कि हम छोटे तब थे, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो हम देखते खूब, तो जहाँ बताते रहते लोग आए कि ये राजा चंद्रसेन का किला है। काउ टाइम पे कोई बात है गई, काउ जहाँ चले गए तो राजा चंद्रसेन कछु लेके नहीं गए जनते। एक बताते कि पास पसरिया सोने की ले गए बस। पास पसरिया मतलब ये है कि वो लोहे से लगा देंगे, सोना हो जाएगा। तो हाथी पे बैठ के एक मोरी है, किले की बाँवे के निकले चले गए राजा रानी। तो बड़े बूढ़े बतावते भैया जे हमको मालूम है खूब। देखिए, हमारी जो शपथ हुई थी जिला पंचायत अध्यक्ष की, ये 12 जुलाई को हुई थी। उस दिन हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लोग मौजूद थे, हमारे जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय मोती सिंह जी, उन्होंने अपनी स्पीच में हमारे जिला को चंद नगर बोल के पहले संबोधित किया था। उसके बाद भी जो हमारे दयाशंकर सिंह जी हैं, जो हमारे ज़िला के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि कैसे इस ज़िले को एक टाइम पे चंदनगर बोल के, चंदनगर ही इसका नाम हुआ करता था। बाद में मुग़ल शासक ने यहाँ का नाम बदल के फिरोज़ाबाद रख दिया, फिरोज शाह के नाम पे।
तो उसके बाद वहाँ पे बहुत सी जनता मौजूद थी, बहुत से जो हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे पार्टी कार्यकर्ता, बहुत लोग मौजूद थे वहाँ पे। वहाँ से हमें बाद में बहुत लोग की अपील आनी शुरू हुई कि एक बार ये बात हमें सरकार तक पहुँचानी चाहिए। फिर 31 को जो हमारी फर्स्ट बैठक बैठी थी जिला पंचायत की, वहाँ पे हमारे फिरोज़ाबाद सदर के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन्होंने फिर से ये प्रस्ताव उठाया था। तो वहाँ पे जितने मौजूद हमारे सदस्यगण थे, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख थे, जो हमारे विधायक जी थे, उन्होंने सब ने इस पर सहमति जताई और फिर हमने इस पर चिट्ठी हमारे DM साहब को फॉरवर्ड कर दी है, शासन को भी भेज दी है। आगे इसमें हमारे माननीय योगी जी इस पर विचार करेंगे और जो भी डिसीजन होगा लेंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि पहले यहाँ पे जैन राजा हुआ करते थे चंद्रसेन के नाम से, उन्होंने ये नगरी बसाई थी चंदनगर, चंदवाड़ बोल सकते हो आप उस टाइम। आज भी यहाँ पे जैन धर्म के बहुत से पहले मंदिर हुआ करते थे, जो बाद में अकबर का जब शासन आया तो उनके यहाँ पे आप बोलिए फिरोज शाह यहाँ पे उनके सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने बहुत से मंदिर जैन धर्म के नष्ट कर दिए और नाम अपने नाम पे चेंज करके फिरोज़ाबाद रख दिया। और आज भी यहाँ पे जैन धर्म की विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक की मूर्ति मौजूद है, चंदवाड़ गेट भी मौजूद है यहाँ फिरोज़ाबाद में। तो हम बस जैन धर्म का जो पुराना खोया हुआ उनका धार्मिक एक वो है, सम्मान है, वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमें जनता भी इसमें पूरी सपोर्ट कर रही है, बहुत लोग इससे सहमत भी हैं और इसीलिए हमने ये सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि इस पर एक बार विचार किया जाए, ये नाम पुनः जो वापस नाम था उसको वापस वही नाम रख दिया जाए।